सीता ठाकुर मोती तोरण में मैं वेलकम जो बना के पट्टी दिखाई थी आपको उसी में तोरण बनाना बताऊंगी। चलिए उसके लिए क्या क्या सामान की जरूरत है मैं बताती हूँ। इस टाइप का हम तोरण बनाएंगे, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये पट्टी हमने पहले वीडियो में बना के दिखा दिया था आपको, आज हम ये उसके नीचे का तोरण बनाना बताएंगे। उसके लिए सामान का क्या क्या जरूरत है मैं बता रही हूँ। उसके लिए पिंक कलर का बड़ा फूल चाहिए, ग्रीन कलर का छोटा फूल चाहिए, रेनबो मोती चाहिए पानी कलर में ये तीन जोकर चाहिए, छोटा पिंक कलर का मोती चाहिए, ये फूल चाहिए सॉरी, और ये ग्रीन कलर का तीन जोकर चाहिए, ये सामान और ये ज़्यादा चाहिए। चलिए दिखाती हूँ मैं बनाना। सबसे पहले हम इसको उल्टा कर लेंगे, देखिए उल्टा है। अब इसको हम दो भागों में पहले डिवाइड करेंगे, ये बीच से इधर का हिस्सा ले लेंगे। अगर हमको मंदिर आकार बनाना है तो बीच से ये डिजाइन को वो करेंगे, और अगर हमको बीच में कोई और दूसरा डिजाइन देना है तो हम उसके लिए थोड़ा बीच का जगह दोनों साइड से बराबर बराबर इतना इतना ले लेंगे, और बराबर आप मोती गिनती कर लीजिएगा, जितना मोती आपका ये है उस हिसाब से आप दो भाग में पहले डिवाइड कीजिएगा, फिर बीच में बीच का हिस्सा आधा आधा दोनों ही तरफ से थोड़ा थोड़ा लेके अब बीच का हिस्सा भी अलग डिजाइन देने के लिए वो कर लीजिएगा। अब देखिए मैंने कर लिया है, अब ये बीच का हिस्सा मैंने यहाँ से इधर का अलग कर दिया है, बीच का अलग है। अब यहाँ से मुझे चार मोती लेके पहला वाला डालना है, एक दो तीन चार, देख लीजिए ध्यान रखिए उल्टे तरफ से कीजिएगा क्योंकि गांठ जो है सामने आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम सबसे पहले ग्रीन फूल लेंगे, फिर इसके बाद ये तीन जो कर लेंगे, उसके बाद फिर ग्रीन फूल लेंगे। एक ग्रीन फूल ध्यान रखिए अगर हम इसको सीधा ऐसे घुसाएं तो इसको उल्टा घुसाना है। उसके बाद बड़ा फूल लेंगे, उसके बाद एक दिल का डिजाइन लेंगे, एक रेनबो मोती लेंगे, उसके नीचे एक ये इस प्रकार का प्लास्टिक का आता है छोटा मोती वो लेके फिर से वापस इसमें, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को झूमर बनाने में। ये देखिए ये एक हमने बना लिया, ठीक है। अब हम फिर वही दूसरा इसमें करेंगे आगे के लिए, तो अब हमको इस टाइप का करना है। एक ये तैयार हो गया, ये देखिए एक और ऐसे। अब हमको चार रेनबो मोती लेना है, फिर उसके बाद ये फिर सेम ये जो ये है इसी टाइप का, ये देखिए बना है ऐसे बढ़ाते जाना है। अब हम चार रेनबो मोती लेंगे, चार रेनबो मोती लेके फिर वो छोटा ग्रीन फूल डालेंगे, ये देखिए बड़ा फूल ले लेंगे, एक दिल ले लेंगे,
ये देखिए ये छोटा, इसी तरह हमको सब बढ़ाते जाना है। ये देखिए फर्स्ट में हमने रेनबो मोती नहीं डाला है, फिर रेनबो मोती डाला है, उसके बाद फिर ग्रीन फूल, फिर पिंक फूल, अब फिर हम रेनबो मोती डाल के यहाँ पिंक फूल डालेंगे, फिर ग्रीन फूल, फिर बड़ा पिंक फूल डालेंगे। देखिए अब देखिए मैंने चार ही रेनबो मोती डाल दिए, अब ये इस बार हम ये पिंक फूल डालेंगे और उसके बीच में हम ये एक पिंक जोकर डाल देंगे और एक फूल, फिर सेम जैसे ग्रीन फूल डाले थे वैसे ही करना है। ये देखिए अब फिर हम चार रेनबो मोती लेंगे, फिर छोटा फूल डालेंगे ग्रीन वाला, अब बड़ा फूल डालेंगे पिंक वाला, फिर वही से एक दिन लेके एक रेनबो मोती, वापिस ले लेंगे। देखिए इसी तरह से हम बढ़ाते गए जैसे मैंने बनाना बताया है, अब ये तैयार हो गया इस तरह से। पर आप इतना ध्यान रखिए कि जिस प्रकार से आप कोई भी कलर का पट्टी बनाएंगे तो उसमें इस तरह से कलर मैच करना चाहिए, जैसे हमने ग्रीन मोती बनाया है डाला है तो उसमें ग्रीन फ्लावर दिया है, पिंक है तो पिंक फ्लावर दिया है। देखिए सही आप कलर चॉइस करके बनाएंगे तो कितना प्यारा लगेगा। देखिए और ये गोल को सेम यही बनाना है आपको, ऐसे ही डालना है मगर इसको आप राउंडिंग देते जाइए, और ये फूल आप डालना है तो डालिए क्योंकि इसके साथ ये फूल मैच कर रहा है, इसलिए हमने ये नीचे का में भी ऐसे बड़ा फ्लावर दिया है, और आप नहीं डालना चाहते तो ऐसे प्लेन भी देंगे तब भी बहुत सुंदर लगेगा। देख लीजिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए हम अच्छा अच्छा और सुंदर सुंदर डिजाइनें आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।